हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। फिर से स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो पे। तो पहाड़ पे काफी खिलखिलाती हुई धूप निकल चुकी, तो मैं अगर आपको दिखाऊं ना, तो देखो अभी सूर्य भगवान मेरे इस उंगली के इधर पे पहुंचे हैं, ये देखो। साथ में कुछ ऐसे तरीके के नज़ारे हैं आसपास के, जहाँ पर मैंने लास्ट टाइम कैंपिंग की थी। तो लास्ट कैंपिंग मैंने कुछ इसी जगह पे कर रखी थी, और अभी हाल ये है कुल मिला के कि भाई यहाँ पर ये लाइट तो मैं लगा के छोड़ गया था, क्योंकि इस पर भाई बैटरी नहीं थी। रात में सिर्फ एक ये लकड़ी बच रखी है जो आप देख रहे हैं, बाकी का सारी लकड़ियाँ एकदम राख हो चुकी हैं। देख सकते हैं मेरे टेंट के हाल, देखो यार अंदर साइड क्या है, पूरा एकदम गंदगी गंदगी हो रखी है। इंजॉय किया अपना फूड और उसके बाद सो गया था। हालांकि मेरे पास बैटरी नहीं थी मेरे फ़ोन में, इसलिए मैं कल ब्लॉग भी शूट नहीं कर पाया था, है ना, तो ना लाइट थी। तो चलो कोई नहीं, आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं इन खूबसूरत वादियों से। तो अभी धूप खिल चुकी है, और आसपास का जो मेरा नज़ारा था कुछ इस तरीके की जगह पर मैंने कल रात काटी। तो दोस्तों अभी पता है क्या, मैंने जो टेंट लगा रखा है ना, तो इसको पैक करने में सबसे ज़्यादा परेशानी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि यार इसी पे सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है। और अभी तक तो मैं गाने सुन रहा था, अभी अभी मैंने सोचा यार पहले वीडियो अपलोड कर लेता हूँ। तो मेरी वीडियो आ चुकी है, और आपने शायद वो वीडियो देख भी ली होगी, कैसी लगी करके बताना कमेंट करके, ठीक है। देख सकते हैं मेरा आप टेंट का सेटअप, ये पूरा सूख चुका है, जो ओस इसके ऊपर लग रखी थी ना, तो सब सूख चुकी है। बस थोड़ा सा काम रह गया है, पैकिंग करते हैं, और इसके बाद फिर बढ़िया सा कुछ कुक करते हैं सबसे पहले, फिर जाकर यहाँ से घर से निकलेंगे, ठीक है। अपनी आग भी लग चुकी है, ठंडा भी नहीं होगा अब हमें, है ना। तो अभी मैं बर्तन माँज रहा हूँ देखो, और वो भी राख से। तो पहले तक ना क्या होता था कि राख से दांत भी साफ करते थे लोग, अपने बर्तन भी साफ करते थे, तो पहाड़ों पे भाई ऐसे चलता रहता था। और आज मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल क्या, मैंने वैसे बर्तन धो रखे हैं पहले भी राख और कोयले से, तो एकदम बहुत ही ज़्यादा साफ रहते हैं, इसके अंदर के जो दाग रहते हैं वो सब निकल जाते हैं इससे। इसके बाद इन्हीं पर कुक करेंगे, क्योंकि यार गंदे हो गए थे ये। भाई साहब अभी मेरी सुबह सुबह की मॉर्निंग हो रही है कह सकते हैं, क्योंकि अभी मैं अपना मुंह धो रहा हूँ और पानी भाई अपना पूरा ख़त्म हो चुका है। अभी तक मेरे को बर्तन धोने में बहुत ज़्यादा देर लग गई, क्योंकि मेरे पास पानी बहुत कम था। इसी से मैंने हाथ मुख भी धो लिया है, और साथ में आपका ये बर्तन वर्तन भी चमाचम बना दिए हैं। तो दोस्तों अभी अपना बना रहे हैं हम लोग पनीर भुर्जी, तो पनीर इतना सस्त रात में बच गया था छोटा सा, अभी प्याज काट देते हैं सबसे पहले। इसमें है भैया रोटी, देखो ये मम्मी ला रखी है रोटी, वो मम्मी है। तो ये जहाँ पर मैंने कैंपिंग कर रखी थी, यहाँ पर घास काटने के लिए आते हैं जंगल पे, तो ये जंगल का जो ये वाला एरिया है ना, ये पूरा तो ये वाला हमारा है। तो यहाँ की थी मैंने लास्ट कैंपिंग, 10:40 हो गया 11 बजने को, और अभी तक मैंने खाना नहीं खाया। तो एक काम करते हैं, पहले बना लेते हैं कुछ। तो भाई सबसे पहले तो इस पर डाल देते हैं बटर। तो आज बनने वाली है भाई अपनी पनीर भुर्जी, ठीक है। हाँ
प्याज डाल देते हैं भैया। तो दोस्तों अभी घास काटने के लिए आ रखे थे मम्मी लोग है ना, लेकिन वो मशीन ही स्टार्ट नहीं हो दे रही भाई, जो घास काटने वाली मशीन है। तो पता नहीं क्या हो गया, रेस नहीं पकड़ पा रही है। और इस साइड अपना तब तक बन रहा है भुर्जी, उतने सा पनीर हमारा कल ज़्यादा शाम बच गया था, तो इसको यूज करेंगे अभी हम लोग पनीर भुर्जी के लिए। गाने भी चले हैं भैया अपने साइड बाय साइड। इसके अंदर अब डाल देते हैं थोड़े से मसाले मसाले अपने। तो चलो अब इसके अंदर पनीर मैश कर देते हैं। तो जी भाई ये अपनी पनीर भुर्जी बनके रेडी हो चुकी है, काफ़ी बढ़िया दिखने में लग रही है भाई। टेस्ट करके देखते हैं कैसी है करके, देखते हैं भाई। ओ भाई भाई एकदम लाजवाब चीज़ बनी है। तो दोस्तों अभी अपनी पैकिंग हो चुकी है पूरी तरीके से, टेंट पैक कर दिया है देखो, और मशीन की आवाज़ वहाँ से आ रही है, पापा काट रहे अपना घास। तो अभी निकलते हैं यहाँ से घर को, वक्त हो चुका है आपका 1:00 और 1:33 डेढ़ बज गया भाई। निकलते हैं यहाँ से घर को सीधा सीधा, ठीक है आपको मिलते हैं। बना के यही था, आप पीछे का जो सामान है ये सब पैक करेंगे और इसके बाद निकलेंगे हम घर की तरफ को, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को आज का वीडियो जरूर से पसंद आया होगा। और मैं एक सजेस्ट करना चाहूँगा कि भाई सोलो कैंपिंग कभी भी ना करें भाई, दिन में तो भाई लगता है कि ये वाह कौन नहीं कर देगा, सबको ईजी लगता है ठीक है, लेकिन रात में जो होता है ना भाई नींद नहीं आती, और उसके बाद जैसे हलचल हल्की सी भी होती है ना, हवा भी चलेगी तो उस पर भाई अंदर से जो हलचल होती है ना आपके अंदर, वो हलचल शांत करनी मुश्किल हो जाती है। मिलते हैं नई वीडियो में, होप कि आपको ये एडवेंचर जर्नी पसंद आई होगी। लाइक करना और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, मैं लाइव आते रहता हूँ रोज, ठीक है। ठीक है, बाय बाय।